ऐसे गरीब आदमी जीते होशियार बन के पूरा मरवाना देख लेते हैं कम मानो वो है कि मजदूर सर बोल दे पूछ लो वहां से 10000 रुपया हम बिजली बहुत बोल दे उठना और जिंदगी जीने की जिद में आगे बढ़ना। एक आम इंसान इसी सोच के साथ सुबह उठता है कि जिंदगी जीने के लिए एक बार फिर आज उसे दौड़ लगानी होगी, जिद्दोजहद उठानी होगी। सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, वो अपने ऑफिस की ओर रुख करते हैं, तो वहीं वैसे व्यापारी जो सड़क किनारे ठेला लगाते हैं और उस ठेला पर वो सामान बेचते हैं जो सामान एक इंसान अपने दैनिक दिनचर्या में काम में लाता है, फल हो सब्जी हो। वैसे व्यापारी पर, वैसे व्यापार करने वाले लोगों पर पटना नगर निगम की गाज गिरती है। दरअसल राजधानी पटना के बेली रोड के बगल में जो व्यापारी ठेला पर सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन पर आज नगर निगम की गाज गिरती है। नगर निगम की टीम पहुंचती है, नगर निगम की गाड़ी पहुंचती है और 1000 रुपया फाइन वसूला जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। कई व्यापारियों से हमने बात किया, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 1000 रुपया फाइन वसूला जाता है और उसके बाद जबरन यहाँ से हटा दिया जाता है। कई व्यापारियों ने कहा कि पिछली बार कई व्यापारियों का ठेला सामान सहित नगर निगम वाले उठाकर लेकर चले गए, हजारों की संपत्ति थी। जब हमने नगर निगम कार्यालय में जाकर मांग की तो कोई जवाब नहीं दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया। और हम लोग फिर से जब ठेला लगाते हैं तो ये लोग फिर पहुंच जाते हैं, फाइन वसूला जाता है और यहाँ से हटा भी दिया जाता है। देखिए इस वीडियो को, किस तरह अधिकारी पहुंचते हैं, फाइन वसूला जाता है, बजाबते फाइन की रसीद भी दी जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों? अगर अवैध कब्जा के नाम पर खाली करवाया जा रहा है पटना नगर निगम के द्वारा, तो सरकार को यह भी सोचनी चाहिए कि ये गरीब, ये ठेला वाले कहाँ जाएंगे। इनके लिए भी समुचित व्यवस्था करने की सोच होनी चाहिए सरकार के पास, इनके लिए भी कहीं व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लगातार लंबे समय से ये लोग राजधानी पटना के बेली रोड के किनारे चिड़ियाघर के आसपास ये लोग ठेला लगाते रहे हैं। तो अगर सरकार इन्हें यहाँ से हटाने की सोच रही है, फाइन काटा जा रहा है, फाइन वसूला जा रहा है, तो सरकार की सोच ये भी होनी चाहिए कि एक जगह सुनिश्चित किया जाए जहाँ पर ये लोग समुचित तरीके से अपना ठेला लगा सके और अपना काम कर सके। बहरहाल नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है और यहाँ पर जगह खाली करवाया जा रहा है और फाइन भी वसूला जा रहा है। उन्हें सबसे ऊपर दिया हटा कह रहा है, फाइन लेने के बाद भगा रहा है, नहीं लगा पे दे रहा, बोला नहीं लगा फाइन लेने का। कैसे चलेगा गरीब आदमी को माला, कैसे चलेगा सर? एक तरफ एक तरफ निगम से 10 रुपये हर देते हैं तो लोन कहाँ से हम लोग भरेंगे? किस्ती हर चीज़ है सर, अच्छा लोन कहाँ से भरेंगे? लगा भी नहीं दीजिएगा, 10,000 लोन देते हैं और उसके बाद लेकिन लगाते हैं भी, अब फाइन भी 1000 रुपया फाइन है सर। फाइन क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे आपकी दुकानदारी? सर लगा रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, इसलिए फाइन है। आखिर हम लोग सफाई भी रखते हैं, देख लीजिए हर चीज़ हम लोग सुधर रखे हुए सर, ऐसा बात नहीं है। अगर हफ्ता में महीना में 2-3 बार आइएगा सर, मैं महीना में 4,000-5,000 कमा के रखने करेंगे, आप लोग देंगे तो हम लोग बाल बच्चे भुखने रहेंगे सर। तो अभी क्या कहा जा रहा है फाइन के बाद देने के बावजूद हटने के लिए? फाइन के बाद बोल रहा है कि हटावा जा रहा है, दोबारा आवेंगे तो फिर फाइन लेंगे, दोबारा आएंगे तो छल्ला हटा के चल लेंगे, बताइए। हम लोग को जब रोटी 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 छिला जाएगा सर तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग यहीं लगाती हैं दुकान? हाँ यहीं लगाते हैं, अभी हटा है ठेला बोरा, यहाँ लगा ले तो फाइन मारेंगे, तो हम नहीं लगाए फिर हटा लेंगे, जब हाँ लगाते हैं जब फाइन मार लेके लेके चल जाता है। एक डेढ़ लाख का सामान ले गया है, 1500 का, 1600 का तराजू ले गया, पैसा भी ले गया है। कौन ले गया? यही सब ले गया है नगर निगम। तराजू राजू सब ले गया, सब ले गया है टोटल। अब गए मांगने के लिए ऑफिस में, बोला हम नहीं जानते नहीं देंगे। नगर निगम के ऑफिस गई थी? हाँ गए थे। तो तराजू नहीं दिया? नहीं दिया है। क्या बोल रहा है? बोला नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे।
नया तराजू दूसू का तराजू था, पैसा भी ले गया है 5,000-10,000 रुपया सेलिंग करते हैं हम लोग। हम लोग जितना का करते हैं धूपा में रह रह के मेहनत करते हैं, किस लिए ले जाइए घर हमें कुछ नहीं है। पुनिया दे ले हम लोग नहीं खाते ना पीते हैं, भूखे प्यास इतना रहे एक मुँह में दाना नहीं लिए। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी,
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।